बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले को लेकर तमाम सनसनीखेज बातें कही जा रही हैं, जैसे कि उनके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या ये सब सच्चाई है? सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रामगोपाल की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम के मुताबिक रामगोपाल को करीब 25 से 30 छर्रे लगे थे और जख्मों की वजह से भारी खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसके सिर और पैरों पर भी चोट के निशान मिले हैं। रामगोपाल मिश्रा के साथ हुई बर्बरता के मामले में यहां तक कहा जा रहा था कि उसे गोली मारने से पहले उसके नाखून खींचे गए थे, मगर ये सब बातें सिर्फ लोगों को भड़काने और सनसनी फैलाने के लिए की जा रही हैं। बहराइच के CMO डॉक्टर संजय कुमार ने साफ तौर पर कहा कि रामगोपाल के नाखून उखाड़ने की बात बिल्कुल गलत है, पोस्टमार्टम में ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं। उन्होंने करंट लगाने जैसी बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। ये सब अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रमाण के फैलाई जा रही हैं। रामगोपाल के शरीर पर छर्रों के निशान थे और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोटें भी मिली थी, लेकिन उनकी मौत का असली कारण अत्यधिक खून बहना और हेमरेज था, जैसा कि पोस्टमार्टम से साफ हुआ है। मिश्रा की पोस्टमार्टम किया गया है। तरह तरह की अफवाहें निकल करके सामने आई हैं। आप क्या लगता है कि कैसे उसकी मौत हुई है? उनकी मौत 25-30 छर्रों के लगने से अत्यधिक रक्त स्राव के कारण हुई। कहा यह भी जा रहा है कि उनके नाखून उखाड़े गए हैं और कई तरह के उनके साथ यातनाएं की गई हैं। कुछ ऐसा भी पोस्टमार्टम में आया है? बाएं आंख के ऊपर एक ब्लंट इंजरी से लेसरेटेड वुंड हुआ है और पैर में अंगूठों के पास बर्न भी है। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या माना जाए कि इसकी मौत कैसे हुई? शॉकिंग हेमरेज से हुई। दरअसल बहराइच जिले के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव का रहने वाला रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल था। जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हो गई। इस बीच छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के दौरान रामगोपाल को एक घर में ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी मौत की खबर फैली तो महाराजगंज में हिंसा भड़क उठी। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर और कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। हालात इतने बिगड़े कि अगले दिन रामगोपाल का शव उनके गांव पहुंचा तो गुस्साई भीड़ ने फिर से तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। महाराजगंज क्षेत्र में कई घरों, नर्सिंग होम, बाइक शोरूम और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। साथ ही PAC, RAF और STF को तैनात किया गया ताकि माहौल शांत हो सके। खुद STF चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़क पर निकल पड़े थे।